हाय दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आपका दोस्त। आपको मैं बताऊंगा कि Redmi Note 3 के लिए रिलायंस का जियो सिम कैसे हासिल करें। अब इशू क्या है, आप लोग माई जियो ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं प्ले स्टोर से, वो अपडेटेड वर्जन है, तो आपको इसका अपडेटेड वर्जन डाउनलोड नहीं करना है। अभी जो वर्जन प्ले स्टोर पे है वो आपको मिल रहा है 3.2.10, और आपको डाउनलोड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ये फ़ोन कौन सा है। फ़ोन है Redmi Note 3, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा वर्जन मैंने डाउनलोड किया हुआ है माई जियो का। देखिए, वर्ज़न है 3.2.05, तो ये वर्ज़न आपके फ़ोन में काम करेगा। आप इस वर्ज़न को डाउनलोड कर लेना। मैं आपको नीचे कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और माई जियो ऐप को आप जब खोलेंगे तो आप अपने इंटरनेट कनेक्शन से सारे ऐप जितने भी हैं सारे ऐप्स को आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो ऑप्शन है वो ओपन हो गया। इसका मतलब है कि आपने सारे ऐप्स को डाउनलोड कर लिया है। आप सारे ऐप्स को एक बार ज़रूर खोल लेना और उनको परमिशन ग्रांट कर देना, जो भी वो परमिशन मांगते हैं। उसके बाद आप अपने इंटरनेट डेटा को और मोबाइल डेटा को किसी को भी आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद माई जियो ऐप को खोलेंगे तो आपको नो इंटरनेट कनेक्शन का ऑप्शन आएगा। आप इसी समय माई जियो ऐप पे क्लिक करेंगे और आपको गेट जियो सिम का ऑप्शन आएगा। फिर आप अपने डेटा को ऑन कर लेना। आप वाईफाई ऑन कर सकते हैं, मोबाइल डेटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस होना क्या चाहिए, आपका फ़ोन 4G होना चाहिए और आपका कोई भी सिम प्रेफर्ड 4G पे होना चाहिए। आप अपडेट नहीं करेंगे इसको आप गेट जियो सिम का जो ऑप्शन आएगा नेट ऑन करने के बाद, आप गेट जियो सिम पे क्लिक करेंगे और आगे नेक्स्ट जो भी ऑप्शंस आएंगे आप उसको करते रहेंगे। फिर आखिर में जाके आपको आपका कोड और बार कोड आपको मिल जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप दुकान किसी भी शॉप पे या रिटेलर की शॉप पे या डिजिटल स्टोर जहाँ भी आपको सिम मिल रहा है वहाँ जा सकते हैं। मैं आपके लिए बता दूँ, आप अपना फ़ोन लेके मत जाइएगा या मत बताइएगा, हो सकता है वो मना कर दें, लेकिन आपका ये कोड आपका काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल सी यू अगेन। प्लीज़ लाइक करें,